Hi students, welcome to the part 2 of Overseas Investment, Foreign Exchange Management, Overseas Investment Rules 22. देखिए बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में जिक्र किया था ओवरसीज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी डेफिनेशंस, जहां पे ओडीआई ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमने थोड़ा सा एक बार रिकॉल वैल्यू देंगे, जहां हमने कहा सिर्फ आपने पैसा कहां लगाया, इक्विटी में, मतलब कोई डेट नहीं है इसके अंदर। जैसे अनलिस्टेड में हमने कहा इक्विटी कैपिटल या सब्सक्राइब किया है मेमोरेंडम, और लिस्टेड में हमने कहा कम से कम 10% इक्विटी में पैसा लगाया, 10% से कम लगाया तो आपके पास होना चाहिए कंट्रोल। फॉरेन एंटिटी हमने पढ़ा जो हिंदुस्तान के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन साथ में उसके अंदर हमने विशेष बात की आईएफएससी को भी हम फॉरेन एंटिटी लेके चलेंगे, लेकिन कंडीशन थी आपकी क्या होनी चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी, जिसमें एक्सेप्शन था अगर आप स्ट्रेटेजिक सेक्टर में क्या है इन्वॉल्व है, जो कि एनर्जी एंड नेचुरल सेक्टर से रिलेटेड हमने बात करी। देयर आफ्टर हमने लिस्टेड फॉरेन एंटिटी नॉर्मली था ऑब्वियसली, जिसके इक्विटी शेयर्स या अदर फुली कंपल्सरी कन्वर्टेबल हिंदुस्तान के बाहर किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। देन ऑब्वियसली मेन डेफिनेशन आती है हमारी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जिसके अंदर हमने कहा फाइनेंशियल कमिटमेंट एंड ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करी है, किसने करी है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ने करी है। फाइनेंशियल कमिटमेंट में हमने तीन बातें कही थी, एक ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा डेट अदर देन ओपीआई, एंड तीसरा नॉन फंड बेस्ड कोई फैसिलिटी जो आपने एक्सटेंड की है जैसे गारंटी। और ओपीआई के अंदर हमने कहा कोई भी इन्वेस्टमेंट लेकिन जो ओडीआई नहीं है, फॉरेन सिक्योरिटीज में करा, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं लेंगे, अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट हमने नहीं लेना, या कोई और सिक्योरिटी जो पीआरआई ने इश्यू की है जो कि आईएफएससी के अंदर नहीं है। तो उसी से रिलेटेड हमने ये मैथमेटिकल फॉर्मूले भी देखे बना के लिखे थे, ये प्लीज बिल्कुल ना भूलें आप, कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल कमिटमेंट प्लस ओपीआई, जिसके अंदर फाइनेंशियल कमिटमेंट में तीन चीजें आ गई, ओडीआई डेट, लेकिन ध्यान रखना है अदर देन ओपीआई या यूं कह लीजिए अनलिस्टेड इसके अंदर आ जाएगा, और नॉन फंड फैसिलिटी गारंटी। और ओडीआई के अंदर हमने सिर्फ इक्विटी की ही बात करी, जैसे लिस्टेड और अनलिस्टेड के हिसाब से लिस्टेड में लिमिट थी, और ओपीआई में हमने क्या कहा जो ओडीआई नहीं है कि ओपीआई तभी होगा, या तो देखिए आपकी इक्विटी कैपिटल 10% से कम है विदाउट कंट्रोल अगर हम लिस्टेड की बात करें, या लिस्टेड व्हाट डेट सिक्योरिटीज। आज हम दूसरी डेफिनेशंस की बात करेंगे, करवा मैंने सारी ही दी थी, लेकिन हैंड रिटन में यहां पे आपको शो करके उनसे रिलेटेड बात करूंगा, और इन डेफिनेशनों से रिलेटेड आज हमारे काफी सारे रूल्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले रूल 21J में आता है इंडियन एंटिटी, राइट, जैसे हमने फॉरेन एंटिटी की बात करी थी, इंडियन एंटिटी में चार चीजें हैं, एक भैया कंपनी, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड, दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड, तीसरा एलएलपी, एलएलपी एक्ट में रजिस्टर्ड, चौथा पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड। तो इंडियन एंटिटी में अगर आप गौर फरमाएं तो हमें देखने को क्या मिल रहा है, हमें चार चीजें दिखाई दे रही हैं, उसमें विशेष अगर आप ध्यान दें तो विशेष ध्यान देने वाली यही बात है कि भैया यहां इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है। दिस इज वॉट यू हैव टू एनालाइज, कि चार ही चीज है, तो आप चाहे एनालिसिस थोड़ा सा चाहें तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि इंडियन एंटिटी में यहां क्या नहीं है, यहां इंडिविजुअल नहीं है, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू टेक केयर, क्योंकि इंडिविजुअल के ऊपर हम अलग से डेफिनेशन जरा देखने वाले हैं। देन जैसे आप ये देखिए यहां पे ये आ गया रेजिडेंट इंडिविजुअल रूल 21U में, कि भैया मींस अ पर्सन जो भारत में क्या है रेजिडेंट है एंड स्वाभाविक है, ये कौन सा व्यक्ति होगा, नेचुरल पर्सन। तो इंडिविजुअल से रिलेटेड आपको अलग रूल्स दिखेंगे, इंडियन एंटिटी से रिलेटेड आपको अलग से रूल्स दिखेंगे। देन होस्ट कंट्री या होस्ट ज्यूरिस्डिक्शन कह लीजिए 21I के अंदर, जिसका मतलब है कोई भी कंट्री या कोई भी इलाका इंक्लूडिंग ऑब्वियसली, जैसे हमने कहा था आईएफएससी को भी हम क्या मान के चलेंगे कि वो हिंदुस्तान के बाहर है, जिसमें ऑब्वियसली जो फॉरेन एंटिटी है हमारी, वो कंट्री जिसके अंदर फॉरेन एंटिटी क्या हुई है, फॉर्म्ड रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड एज द केस मे बी। 21L के अंदर लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट जो हमने पहले बात किया था, ये एक ऑडिटेड बैलेंस शीट है, लेकिन ये एज ऑन डेट ज्यादा से ज्यादा कितना पुराना होगा ये ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा ये पुराना हो 18 महीने, नॉट एक्सीडिंग 18 months प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन की नेचुरल ओडीआई का हो या ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, उसे बैक गेयर में ज्यादा से ज्यादा 18 महीने पुराना, उससे ज्यादा ना हो। नेटवर्थ का मीनिंग क्या है 21P के अंदर, देखिए इसमें दो बातें हैं, तो दो बातें क्या निकल के आती हैं कि भैया या तो देखिए आप क्या होंगे, या आप होंगे कंपनी,
या होंगे आप कंपनी या होंगे आप फर्म, जिसके अंदर दोनों आ गया, नॉर्मल फर्म भी एंड एलएलपी भी। तो कंपनी से रिलेटेड इसने कह दिया कि जहां तक नेटवर्थ का सवाल है, जाइए कंपनीज एक्ट से देख लीजिए अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 57, जिसके अंदर हमें क्या लेना है। ऑब्वियसली शेयर होल्डर फंड्स है, पेड अप कैपिटल आ गई, रिजर्व्स आ गई, लेकिन उसके अंदर रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेना, राइटिंग बैक ऑफ डेप्रिसिएशन एमलगमेशन नहीं लेना, पीएनएल आप लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम लेंगे, ऑब्वियसली पीएनएल डेबिट बैलेंस है तो माइनस करेंगे, और क्या मैनेज करेंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। लेकिन फर्म के केस में क्या होगा, नेटवर्थ कैपिटल लीजिए, उसके अंदर ऐड क्या कीजिए, वही अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और माइनस क्या करना है, यही जिसे हम सिंपल भाषा में कह देते हैं कबाड, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। देयर आफ्टर हमें आज रूल्स में काफी जगह ये दिखेगा 21Y, सब्सिडरी या स्टेप डाउन सब्सिडरी किसकी, ऑफ अ फॉरेन एंटिटी। तो इसका मतलब है कोई भी एंटिटी है जिसके ऊपर फॉरेन एंटिटी का क्या है, कंट्रोल है, तभी सब्सिडरी बनेगी या उसके आगे स्टेप डाउन बनेगी, सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी। 21T रिलेटिव का मतलब वही पिछली क्लास में भी करवाया था अंडर कंपनीज एक्ट 2 क्लॉज 77, जहां HUF के केस में देखिए आप भी जानते हैं सारे मेंबर्स, और इंडिविजुअल के केस में जैसे मैंने बताया था नो लोग इसके अंदर आ जाएंगे। सो HUF हैं तो सारे के सारे क्या हो गए, उसके मेंबर्स, और अगर आप हैं भैया इंडिविजुअल जैसे मैंने नो लोग बताए थे वो बिल्कुल ना भूलिए। जैसे अगर मेरे को बेस लेके चलें तो ऑब्वियसली माताजी, पिताजी, ब्रदर्स, सिस्टर्स, स्पाउस, सन, डॉटर, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, राइट, और स्टेप हर जगह लेना है, जहां नहीं हो सकता वहां तो लेंगे नहीं, लेकिन डॉटर के केस में स्टेप डॉटर नहीं था। तो आज हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम करेंगे आज आगे रूल्स। तो देखिए ऑब्वियसली ये ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स हैं, टोटल 21 रूल्स हैं, जिसके अंदर से अभी हमने देखा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 के अंदर क्या थी डेफिनेशंस। अब ध्यान क्या रखना है, ये प्रिंटेड नोट्स आपके सामने हैं, रूल नंबर 3 से लेके 21 तक, उसके थोड़ा समझने वाली चीज क्या है। देखिए ओवरसीज इन्वेस्टमेंट हमें स्टडी कैसे करना है, एक तो भैया इससे रिलेटेड है रूल्स, लेकिन रूल्स ध्यान रखिएगा रेड विद रूल्स के साथ क्या दे रखे हैं, उसके इन्होंने दे रखे हैं स्केड्यूल्स। तो स्केड्यूल्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रहेगा। ऑब्वियसली ये मैं हैंड रिटन चार्ट से ही आपको करूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि उसमें से एग्जाम में आने की संभावना काफी रहेगी। तो रूल्स हैं रेड विद स्केड्यूल्स हैं, प्लस साथ में क्या है ध्यान दीजिएगा, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अलग से रेगुलेशंस भी हैं। तो दैट मींस इसलिए तो देखिए स्टडी मैट में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आपने दे दिया 30 पेज का भर के। अब हम इसको हैंडी कैसे बनाएंगे आपके सामने, डेफिनेशन मैंने एक से भी कम पेज में आपको सारी इवन हैंड रिटन करवा दी। अब जो रूल्स आप देखेंगे, रूल के अगर हम नंबरिंग देखते हैं, ये आपको 21 तक है, लेकिन जैसे मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है, स्केड्यूल वाले पार्ट को मैं करूंगा अलग, हैंड रिटन में आपसे डिस्कस करूंगा, ताकि 1-1.5 पेज के अंदर सारा कंसेप्ट बड़ा इजी आपको रिटेन करना, याद करना, सब कुछ आसान हो सके। लेकिन अब इन रूल्स में काफी फालतू सी बातें हैं, अब मैं इसको हैंड रिटन में लिख लिख के ऐसे बिना मतलब मैं पेज भरूं डज नॉट मेक सेंस। तो ये वाला लेक्चर मैं आपको प्रिंटेड से ही पढ़ाने जा रहा हूं, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे छोटे छोटे होंगे, क्योंकि ये वाला हिस्सा मैंने अलग कर दिया, ये आप देखेंगे भी कुछ रूल करवाऊंगा नहीं मैं, रूल नंबर 11 से 15 कह लीजिए, इसको अलग कर दिया, स्केड्यूल्स ये अलग से करवाऊंगा, राइट, हैंड रिटन में आपके लिए इजी हो। लेकिन बाकी हम यही डिस्कस करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो ऑलरेडी मैंने प्रिंटेड में स्टार लगा रखा है, लेकिन मैं जब आपसे डिस्कस करूंगा आप मेरे साथ उसे अपने हैंड रिटन में लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। रूल नंबर 3 कहता है एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब रूल्स को बना कौन रहा है, उनको मैनेज कंट्रोल कौन करेगा, ये तो आप सारे जानते हैं, ऑब्वियसली आरबीआई करेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस पढ़ाने वाली बात ही नहीं है, एक ही वर्ड में कहानी होगी खत्म कि एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास रहेगा, आरबीआई के पास। रूल नंबर 4 कहता है ये रूल्स कहो, देखिए अब आपके सामने है दोनों ही वर्ड आ गए, देखिए ये रूल आ गया और ये देखें आप ये वर्ड आ गया रेगुलेशंस, चाहे रूल हो रेगुलेशंस हो, राइट, कि ये रूल्स रेगुलेशंस नहीं लगेंगे, दैट मींस ओवरसीज इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी भी है तो आपको ना तो रूल लगने वाले हैं ना ही ये रेगुलेशंस 2022 वाली लगेंगी, भाई किसको नहीं लगेंगी। कहते हैं एनी इन्वेस्टमेंट मेड आउटसाइड इंडिया बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन एन IFSC। देखिए हमने पहले भी कहा था इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर हिंदुस्तान में होते हुए भी हम लेके चलते हैं हिंदुस्तान के बाहर, राइट, तो इसलिए कहता कोई भी इन्वेस्टमेंट जो करी है किसने, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, किसके अंदर करी है IFSC के अंदर, लेकिन ध्यान रखिएगा किसने करी है,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने उसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करी है तो हम उसके ऊपर ये रूल्स रेगुलेशन नहीं लगवाएंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि भैया इस आईएफएससी सेंटर को क्या किया जाए, ग्रो किया जाए। देन नो डाउट यहां पे प्रश्न निकलता है कि सर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बताया गया है कि यहां मीनिंग वही होगा जो आईएफएससी अथॉरिटी एक्ट 2019 के अंदर दिया गया है। आईएफएससी अथॉरिटी एक्ट 2019 के अंदर जो मीनिंग दिया गया, अगर उसके अंदर जाके मैं देखता हूं सेक्शन 3C ऑफ आईएफएससी अथॉरिटी एक्ट कहता है, ये कोई भी मींस अ यूनिट सेट अप इन आईएफएससी सेंटर व्हिच इज एंगेज्ड इन रेंडरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होगा, आपने कोई क्या कर दी, आईएफएससी सेंटर में कोई यूनिट सेटअप कर दी जो क्या रेंडर कर रही है, ऑब्वियसली फाइनेंशियल सर्विसेज दे रही है, किससे रिलेटेड दे रही है, कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो आप प्रोवाइड कर रहे हो। एक नंबर दो कहते हैं ये रूल्स नहीं लगेंगे एक्विजिशन हो, खरीदना हो या बेचना पूछना हो ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट, जब आप विड्रॉ करते हैं लिक्विडेट डिस इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, आउटसाइड इंडिया मेड आउट ऑफ आरएफएससी अकाउंट। तो देखिए आरएफएससी अकाउंट हम पहले ही जानते हैं कि हिंदुस्तान के बाहर आपने पैसा कमाया था, उसमें से अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करें या उसे विड्रॉ करें तो नेचुरल है, ये तो नॉर्मल हम फेमा में पढ़ के ही आए हैं जब हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वगैरह भी पढ़ रहे थे, तो इसलिए उसके ऊपर ये रूल्स रेगुलेशन नहीं लगने चाहिए। नंबर दो कहता आउट ऑफ फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज हेल्ड आउटसाइड इंडिया बाय अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड इन इंडिया फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ लेंथ देयर ऑफ और फॉर अ स्पेसिफिक जॉब और असाइनमेंट ड्यूरेशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 3 साल। कहने का मतलब क्या हुआ कि भैया कोई व्यक्ति जो बाहर का है हिंदुस्तान आया, भैया क्यों आया हिंदुस्तान में, वो इसलिए आया है काम करने आया है, राइट, एम्प्लॉयड इन इंडिया, कोई स्पेसिफिक जॉब असाइनमेंट हो सकती है, लेकिन बस वहां पे ध्यान क्या रखना है, हमें एक लिमिट का ध्यान रखना है कि आप ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान में कितने दिन के लिए आए हैं, 3 साल के लिए आए हैं। तो नेचुरल है हिंदुस्तान से कमा के लेके गए, ऑब्वियसली कहां लेके गए होंगे, बाहर लेके जाएंगे, तो यही कह रहे हैं आउट ऑफ फॉरन करेंसी रिसोर्सेज हेल्ड आउटसाइड इंडिया, तो पैसा तो आपका कहां का है, बाहर का है, तो बाहर जैसे मर्जी इन्वेस्ट करो, ये रूल्स क्यों लगेंगे आपके ऊपर। तीसरी बात कहता अगर आप सेक्शन 6 सब सेक्शन 4 जो कि हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के ऊपर पढ़ के ही आते हैं कि भैया उसके हिसाब से कोई टेंशन नहीं, जहां हम क्या पढ़ते होते हैं कि भैया परमिटेड ट्रांजैक्शंस हैं किसके लिए है, PRI के लिए है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, कि आप रख सकते हैं होल्ड ओन ट्रांसफर या इन्वेस्ट किसमें, फॉरन करेंसी में, फॉरन सिक्योरिटी में, या इमूल प्रॉपर्टी जो हिंदुस्तान के बाहर है, अगर ये सब आपने कब लिया, वेन ही वॉज वॉट, जब आप रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया थे हिंदुस्तान के बाहर थे, तो जो चीजें वहां कमा के रखी हैं तो जैसे मर्जी रखो, क्या दिक्कत है, उसको जैसे मर्जी बेचो, या इनहेरिटेड फ्रॉम अ पर्सन हु वॉज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी हिंदुस्तान के बाहर हैं या कोई मेरा रिश्तेदार हिंदुस्तान के बाहर है, तो वहां उससे इनहेरिटेंस में मिला, तो ऑब्वियसली ये रूल्स नहीं लगने चाहिए। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी में थोड़ा सा आप कह सकते हैं, फिर भी एक अच्छी चीज है, हमें इसे याद कर लेना चाहिए, या हैंड रिटन में आपने इसे लिखना हो तो लिख सकते हैं, मैं स्टार डाल भी देता हूं। एक ये रूल्स किसके ऊपर नहीं लगेंगे भैया, रूल रेगुलेशन दोनों नहीं लगेंगे, किसके ऊपर, अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आईएफएससी में इन्वेस्ट किया है, देन अगर आपने ये इन्वेस्ट वगैरह किया है आरएफसी अकाउंट से, या आपके पैसा तो देखिए ध्यान रखना है बाहर ही पड़ा था, राइट, हेल्ड आउटसाइड इंडिया है, लेकिन आप भारत में एम्प्लॉयड थे ज्यादा से ज्यादा कितने, 3 साल के लिए, या सेक्शन 6 सब सेक्शन 4 के मुताबिक, ये तो आप पहले से भी जानते हैं। रूल नंबर 5, दरअसल इसका जिक्र पहले ही हमने थोड़ा ओपीआई के अंदर कर लिया था कि कौन से इंस्ट्रूमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट है, कौन से नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट है। तो वैसे भी देखिए अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 7 के अंदर भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमिन करेगा किसको हम डेट या नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट मानेंगे। तो ओपीआई के अंदर मैं पहले ही आपको डेट इंस्ट्रूमेंट पढ़ा भी आया था, हैंड रिटन में दिखा भी दिया था, 5 आइटमें थी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या सारी ट्रांचेस किसकी, सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर, लेकिन ध्यान रखना है क्या ना हो, इक्विटी ना हो, भैया इक्विटी होगा तो वो डेट वैसे बन ही नहीं सकता, राइट। नंबर 4 आपकी बॉरिंग्स होगी, और नंबर 5 याद कीजिएगा हमने कहा था डिपॉजिटरी रिसीट्स, और लेकिन डिपॉजिटरी रिसीट्स के पीछे कौन है, अंडरलाइंग सिक्योरिटीज क्या होनी चाहिए, डेट सिक्योरिटीज। अब स्वाभाविक है ये 5 डेट इंस्ट्रूमेंट होगी, तो इसके अलावा सारे के सारे आप क्या कह सकते हैं, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट। तो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट में क्या गया, कोई भी पैसा जो आपने इक्विटी में लगाया किसी भी तरह की एंटिटी में, आपने कैपिटल लगाई है किसमें, LLP में लगाई है,
कहता है ऑल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि रिकॉग्नाइज किए हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में फ्रॉम टाइम टू टाइम। नंबर चार, आपने पैसा लगाया इन यूनिट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, रिट, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या IIT इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वगैरह की यूनिट्स में आपने क्या लगा रखा है, पैसा लगाया है। देन आपने इन्वेस्ट किया है इन यूनिट्स, अगेन यूनिट्स आगे किसकी, म्यूचुअल फंड की, ETF की, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। लेकिन यहां कंडीशन क्या थी, कहता इन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड ETF, लेकिन ध्यान क्या रखना है, विच इन्वेस्ट मोर देन 50% इन इक्विटी, जो आगे अपना पैसा मोर देन 50% कहां लगाते हैं, इक्विटी में लगाते हैं, तो उनकी यूनिट्स में जो आपने इन्वेस्ट किया हम उसे मान लेंगे नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट। देन कहता है जूनियर मोस्ट लेयर डेट इज इक्विटी ट्रांचे ऑफ सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर, जो भी सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कई लेयर्स होती हैं, तो सबसे जो खतरनाक रिस्की लेयर होती है संभावित है उसे हम कहते हैं सबसे निचली लेयर, और वो होती है इक्विटी, राइट, क्योंकि उसके ऊपर वाली लेयर्स डेट वगैरह हो सकती हैं, तो सबसे नीचे वाली लेयर्स कहता हम उसको मान के चलेंगे नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट। देन आपने पैसा किसमें लगाया, आपने पैसा लगाया इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो भैया इमूवेबल प्रॉपर्टी डेट इंस्ट्रूमेंट थोड़े है, आपने किसी ट्रस्ट में पैसा दिया है, आपने डिपॉजिट रिसीट, लेकिन अंडरलाइन क्या है उसके पीछे, इक्विटी सिक्योरिटीज है। तो ये भी रीड करने वाली है, इसमें कोई रटे वाली आपको रॉकेट साइंस वाली कोई चीज नहीं, सिर्फ एक MCQ के लिए हाथ से आप इसको स्टार डाल सकते हैं यहां पे, ये अपने हैंड रिटन में चाहे इंसर्ट भी कर सकते हैं कि भैया हमने नोट डेट मानना है अगर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड ETF में पैसा लगाया जो कि आगे मोर देन 50% पैसा किसमें लगा रहे हैं, इक्विटी में। रूल नंबर 6, तो रूल नंबर 6 कहता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ सर्टेन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या है, अरे भैया ये जो रूल्स आए ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, इससे पहले ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल्स थे, तो पुराने रूल्स के अंदर जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसका क्या होगा, ऑब्वियसली इट विल कॉन्टिन्यू। ये थोड़े नए रूल्स आते ही वो सारा का सारा आप चेंज कर दोगे, बस यही लिखा है एनी इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल कमिटमेंट जो हिंदुस्तान के बाहर करी है आपने इन अकॉर्डेंस विद एक्ट रूल्स और रेगुलेशंस मेड देयर अंडर, उन रूल्स के हिसाब से जो आपने करी थी और आज भी आपके पास है एज ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दीज रूल्स, तो हम उसे क्या मान लेंगे, शेल बी डीम टू हैव बीन मेड अंडर दीज रूल्स, एक तरह से मान लेंगे इन रूल्स का आपने कंप्लायंस किया है जबकि आपने किया नहीं है, क्योंकि आपने पहले कैसे किया था, पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग आपने पैसा लगाया था। देन राइट इशू और बोनस शेयर के ऊपर रूल नंबर 7 क्या कहता है, अब मान लीजिए आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर दी हिंदुस्तान के बाहर, तो आप सारे जानते हो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का हक होता है कि कंपनी फर्दर इश्यू करती है तो आप वो शेयर ले सको, क्या आप ले सकोगे, ऑब्वियसली राइट मिलना चाहिए, और अगर मुफ्त में मिल रहे हैं बोनस शेयर तो मिलने ही चाहिए, बस इतना सा पॉइंट है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस है सच नहीं है। और आपने राइट शेयर्स में फर्दर पढ़ा होगा कि अगर आपने अपना हक नहीं इस्तेमाल करना, ये हक आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, जिसे हम क्या कहते हैं रिनंसिएशन, तो सेम यहां पे भी वही पॉइंट है, हाँ आप नहीं लेना चाहते ये शेयर, आप ये राइट किसी और को रिनाउंस कर सकते हैं। रूल नंबर 8 कहता है प्रोहिबिशन ऑन इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, अरे सिंपल सी बात है, कीजिए ना इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, लेकिन आपको क्या करना होगा, इन रूल्स रेगुलेशंस का कंप्लायंस करना पड़ेगा, तो ये लिखा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, कि जब तक अलग से ना लिखा हो किसके अंदर, एक्ट के अंदर, रूल्स के अंदर, रेगुलेशंस के अंदर, कोई भी PRI बाहर ना इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल कमिटमेंट करेगा वो तो अंडरस्टूड है कि रूल्स के कंप्लायंस के बिना आप कर नहीं सकते, तो ये भी कोई काम की चीज नहीं है। रूल नंबर 9 मैंने स्टार पहले लगा के देखा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, और रूल नंबर 9 से रिलेटेड कुछ है जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो मैं हैंड रिटन आपको दूंगा, रूल नंबर देखिए अभी यहां पे शो भी कर देता हूं आपको, रूल नंबर 11 ये आपको दिखेगा यहां पे रेड विद स्केड्यूल नंबर 1 मैनर ऑफ मेकिंग ODI बाय इंडियन एंटिटी, तो जब मैं इसको हैंड रिटन आपको चार्ट करवाऊंगा उसके अंदर इसके बारे में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट वहां पे भी लिख के बता दूंगा, बट फिर भी यहां थोड़ा ध्यान रख लीजिए क्या लिखा है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दीज रूल्स रेगुलेशंस वगैरह वगैरह, जिसका मतलब हो गया सेविंग क्लॉज, जिसका मतलब है इन्हीं के अकॉर्डिंग आप ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वरना नहीं कर पाएंगे। कहता ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करी किसने करी, PRI ने करी, किसमें करी, फॉरेन एंटिटी ने करी, फॉरेन एंटिटी में करी, लेकिन फॉरेन एंटिटी किसमें एंगेज्ड है, किसी बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी में, अरे हिंदुस्तान के बाहर किसी ऐसी एंटिटी में पैसे लगाओगे क्या जो गलत काम में इन्वॉल्व है, इलीगल ड्रग्स, नहीं ना, तो क्वेश्चन ये आता है बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी क्या है, इसकी यहां पे एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो क्या हो बेटे,
जो परमिसिबल हो किसके हिसाब से, कोई भी लॉ, कौन सा लॉ, चाहे वो इंडियन लॉ हो या किसका हो, होस्ट कंट्री या होस्ट ज्यूरिसडिक्शन का हो, एज द केस मे बी, मतलब परमिसिबल वो होना चाहिए। देन जो आप पैसा लगा रहे हैं कैसे लगाओगे, या तो खुद लगा लो या थ्रू व्हाट, अपनी स्टेप डाउन सब्सिडरी या स्पेशल पर्पज व्हीकल जैसे मर्जी लगा लीजिए, लेकिन नो डाउट आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस का कंप्लायंस करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब आप पैसा लगा रहे हो इसका मतलब थोड़े पाकिस्तान में लगा दोगे, पाकिस्तान में लगा दोगे तो होगा क्या, आपका ही पैसा पाकिस्तान जा रहा है, आपके पैसे से वो बंदूक गोलियां खरीदेंगे और हमारे ऊपर अटैक करेंगे, राइट? क्योंकि जितने बड़े कांड इंडिया में जितने भी होते हैं आप भी सारे जानते हो, प्रॉक्सी वॉर एक तरह से डायरेक्ट सामने से पाकिस्तान नहीं लड़ता, इस तरह से हमारे देश को डिस्टेबलाइज किया जाता है। इसलिए हमने कहा पाकिस्तान में लगाने हैं ना, हम मना नहीं कर रहे हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेशल अप्रूवल ले लो। ये लिखा है प्रोविजो, क्या कहती है, इन्वेस्टमेंट या ट्रांसफर करना ऐसी इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग स्वैप ऑफ सिक्योरिटीज इन फॉरेन एंटिटी जो कि फॉर्म रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड कहां है, पाकिस्तान में या कोई और भी जुरिसडिक्शन हो सकती है, कंट्री हो सकती है, एज मे बी एडवाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, सरकार बता सकती है कोई भी और इलाका देश जिसके लिए आपको क्या होगी, पहले प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो रूल नंबर 9 में से एक तो चीज हमने सीखी, बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी में पैसा लगाएंगे, जिसका मतलब है परमिसिबल है, किसके हिसाब से, लॉस चाहे हमारे हो चाहे होस्ट कंट्री के हो। लेकिन पाकिस्तान वगैरह कंट्री में पैसा लगाना तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या लेनी पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो एक ये पाकिस्तान वाला पॉइंट अच्छा था। देन इसी का सब रूल नंबर 2 क्या कहता है, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल्स या रेगुलेशंस, मतलब भाड़ में गया रूल्स रेगुलेशन में क्या लिखा है, कहता सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एन एप्लीकेशन मेड इट टू बाय आरबीआई परमिट फाइनेंशियल कमिटमेंट इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर या ज्योग्राफी कह लीजिए, स्ट्रेटेजिक सेक्टर हम पहले पढ़ के आए थे, एनर्जी या नेचुरल सेक्टर, क्योंकि वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसमें हमने कहा था भैया इसमें तो कोई पंगा पुंगा भी नहीं है लिमिट्स का, अभी एग्जैक्टली कितनी लिमिट्स है, कितना फाइनेंशियल कमिटमेंट ओडीआई ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, ये स्केड्यूल 1 के साथ मैं लिमिट्स अभी मैंने आपको करवानी है, लेकिन यहां मैं क्या बताने जा रहा हूं कि जो लिमिट्स हम पढ़ेंगे उससे ज्यादा भी पैसा लगाया जा सकता है। अगर आप पैसा कहां लगा रहे हो, स्ट्रेटेजिक सेक्टर में लगा रहे हो, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अप्रूवल देगी जब एप्लीकेशन राउट हुई है थ्रू आरबीआई। और कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मे ऑन एप्लीकेशन मेड इट टू इट थ्रू डेजिग्नेटेड ऑथराइज्ड बैंक, ऑथराइज्ड डीलर बैंक, कहने का मतलब है जब आप स्ट्रेटेजिक सेक्टर में ज्यादा पैसा लगाना चाहते हो तो आरबीआई को, देखिए यहां सीखने वाली चीज क्या है, ये है आप पीआरआई कह लीजिए, आप सीधा आरबीआई के पास नहीं जाएंगे, आप अपने ऑथराइज डीलर के पास आएंगे, ऑथराइज डीलर फर्दर एप्लीकेशन किसको देगा, आरबीआई को देगा, आरबीआई आगे किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ये प्रोसेस आपने फॉलो करनी है तब आपको अप्रूवल मिलेगा। तो अगर आप पैसा लगाना चाह रहे हैं स्ट्रेटेजिक सेक्टर में तो कोई टेंशन नहीं है, आप उससे ज्यादा लिमिट्स पे भी पैसा लगा सकते हैं। देन इसके बाद आरबीआई अगर उसे ठीक लगता है इन कंसल्टेशन विद सीजी, एक आधा पॉइंट जैसे मैं प्रोविजन नहीं पढ़ रहा हूं तो उसमें पढ़ाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने जो समझाने में है उसी में कवर कर दिया, बिना मतलब में मैं आपका टाइम यहां वेस्ट नहीं करूंगा ताकि लेक्चर आपको ढंग से समझ में आ जाए, उसके क्रूशियल पॉइंट्स की पॉइंट्स आपको याद हो जाए, जो कि मैं एक बार दोबारा भी लेक्चर खत्म होने पर रिवाइज करवा दूंगा। तो आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सीजी मे स्टिपुलेट द सीलिंग फॉर एग्रीगेट आउटफ्लो ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल कमिटमेंट या ओपीआई दोनों को ऐड कर दें तो क्या बन गया, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। तो ऑब्वियसली जो सीलिंग है स्केड्यूल 1 में पढ़ेंगे, राइट, कई स्केड्यूल हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे, तो वो सीलिंग्स बताई जा सकती हैं और उन सीलिंग्स को जैसे मैंने पहले कहा उसको बढ़ाया भी जा सकता है, हम उसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं, बस उसके लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल्स लेनी पड़ेंगी जो हमने ऊपर कह भी दिया स्ट्रेटेजिक सेक्टर में किस तरह से आपको मिल सकती हैं। रूल नंबर 10 देखिए मैंने स्टार पहले लगा के दे रखा है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है, किसने लेना है, पीआरआई ने लेना है। पीआरआई को एनओसी क्यों चाहिए, अरे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करो, रूल्स रेगुलेशन का कंप्लायंस करो, बात खत्म होगी, फिर एनओसी किस बात की, इसलिए अच्छा ही। कहता है ये एक ऐसा पीआरआई है जिसका अकाउंट जो बैंक में अकाउंट है वो हो गया एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, मतलब आप तो यार हिंदुस्तान में ही डिफॉल्ट रहो, बैंकों का पैसा मार के बैठे हो और वो पैसा लेकर के आप हिंदुस्तान के बाहर लेके भाग रहे हो, कहीं आप नीरव मोदी विजय माल्या की तरह तो नहीं हो।
इसलिए कहता है आपको एक एनओसी लेना पड़ेगा। नंबर दो, या आप विलफुल डिफॉल्टर हो बैंक के। नंबर तीन, आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। किसके द्वारा चल रही है? फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर या कोई भी इन्वेस्टिगेट। फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर की देखिए हमने पहले भी डेफिनेशन पढ़ी थी, जो कि आरबीआई, सेबी, इडा, पीएफआरडीए हो सकता है, राइट, या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन इंडिया जैसे सीबीआई, ईडी या सफाई, जो कंपनी एक्ट के अंदर आता है, राइट। तो ये जैसे फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर है, ये हमने पहले बात किया था, आरबीआई, सेपी, एडा, पीएफ, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट। तो कहता है इनके पास इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट करने से पहले या अपना पैसा निकालने से पहले, डिस इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्या करना होगा? एनओसी लेना होगा। किससे लेना होगा? अरे पैसा तो आप बैंक का खा के बैठे हो ना, फ्रॉम लेंडर बैंक या रेगुलेटरी बॉडी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। इनसे क्यों? अरे क्योंकि इनके पास आपकी क्या चल रही थी? इन्वेस्टिगेशन। इसके लिए क्या दें आप? एप्लीकेशन दें राइटिंग में, राइट। लेकिन हुआ क्या, आपने एप्लीकेशन दी लेंडर बैंक को दी या रेगुलेटरी बॉडी या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दी, आपने एप्लीकेशन दे दिया, 60 दिन हो गए, 60 दिन हो गए, वो आपको एनओसी ना हा कर रहे हैं ना कर रहे हैं, तो हम क्या प्रज्यूम कर लेंगे? हम मान लेंगे उनको इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मतलब 60 दिन का टाइम है, उन्हें हाँ या ना कहना है। हाँ कह दी, बात खत्म। ना कह दी तब भी पॉजिटिव वे में बात खत्म है, ना कह दी फिर तो आप कर ही नहीं सकते हो, राइट। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी क्या निकली, 60 दिन में ना हां करी ना करी, तो अगर ऐसा है तो हम प्रज्यूम कर लेंगे हां। तो देखिए, तो कहता अगर ये क्या हुआ, इनकी तरफ से फेलियर हुआ टू फर्निश सर्टिफिकेट विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, इट मे बी प्रज्यूम देयर वाज नो ऑब्जेक्शन टू द प्रपोज्ड ट्रांजैक्शन। तो ये बहुत बढ़िया था यहां पे एनओसी वाला पॉइंट। देन कहता जो एनओसी देगा, बैंक दे या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दे या रेगुलेटर दे, कहता ये किसको देगा? शेल बी एड्रेस्ड, द एनओसी शेल बी एड्रेस बाय द लेंडर बैंक और बॉडी या एजेंसी टू द डेजिग्नेटेड ऑथराइज डीलर बैंक विद एन एंडोर्समेंट टू द एप्लीकेंट। मतलब सीधा आपके नाम पे नहीं है ये एनओसी। तो इसका मतलब हो गया, एक तरह से जो एनओसी आनी है आपको, चाहे वो लेंडर बैंक है, चाहे वो रेगुलेटरी बॉडी है, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो ये आप जो देगा एनओसी किसके नाम पे देगा? ऑथराइज डीलर के नाम पे देगा। नो डाउट ऑथराइज डीलर के नाम पे है, लेकिन उसमें एक एंडोर्समेंट ऑब्वियसली किसके नाम की जाएगी? आपकी। और आप नेचुरल क्या है यहां पे? पीआरआई ही होंगे। तो ये होता है रूल नंबर 10। अच्छा था कि अगर जो पीआरआई है, ध्यान दीजिएगा, जो पीआरआई है अगर उसका अकाउंट या तो एनपीए है या विलफुल डिफॉल्टर है बैंक में, या उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है रेगुलेटर के द्वारा या कोई भी एजेंसी के द्वारा, तो भैया आपको इनसे एनओसी लेना है। एप्लीकेशन दीजिए, संभाविक है किसमें देंगे? आप राइटिंग में देंगे। और लेकिन अगर 60 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो प्रज्यूम्ड दे हैव नो ऑब्जेक्शन। और ये जो एनओसी है ये ऑथराइज डीलर के नाम पे आएगी, जहां एंडोर्समेंट आपके नाम की जाएगी। अब देखिएगा रूल नंबर 11 से 15 तक, ये आज हम करने वाले नहीं है क्योंकि ये मैंने कहा था हैंड रिटन चार्ट से करवाऊंगा, इसलिए कंटेंट यही है जिसके ऊपर एग्जाम में ज्यादा प्रश्न बनने चाहिए। ये रूल नंबर 11 से लेके 15 तक क्या है, देखिए यहां पे है स्केड्यूल नंबर 1, यहां पे है 2, यहां पे आपको दिखेगा 3, ये दिखेगा आपको 4 और यहां दिखेगा आपको 5। ये 5 स्केड्यूल करने हैं। किसके लिए है? पहला क्या है, इंडियन एंटिटी के लिए है। अगर इंडियन एंटिटी ने क्या करना है, ओडीआई करना है, तो स्केड्यूल 1 के अंदर मेन लॉ है कैसे किया जाएगा, क्या लिमिट्स है। नंबर 2 क्या है, अगर अगेन यहां पे ओडीआई है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए याद कीजिएगा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या था, फाइनेंशियल कमिटमेंट प्लस ओपीआई, और फाइनेंशियल कमिटमेंट के अंदर क्या था, ओडीआई था। इसलिए रूल 12 रेड विद स्केड्यूल 2 के अंदर क्या है वही इंडियन एंटिटी, लेकिन उसके अंदर क्या आ रहा, ओपीआई आ रहा। और रूल 13 स्केड्यूल 3 के अंदर क्या आ रहा है, यहां पे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, एक इंडिविजुअल कर रहा है, नेचुरल पर्सन। रूल 14 में क्या है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर रहा है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, लेकिन अदर देन इंडियन एंटिटी एंड रेजिडेंट इंडिविजुअल है। मतलब यहां पे ध्यान रखने वाला वर्ड कौन सा है, अदर देन। जैसे इंडियन एंटिटी में 4 किए हमने, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट,
एलएलपी एंड फर्म चाह रही थी, कोई ट्रस्ट वगैरह है वो पैसे लगाना चाह रही है, कोई एचयूएफ है पैसे लगाना चाह रही है, तो उनके लिए आ गया ये रूल नंबर 14। 15 ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कहां कर रहे हो आप? इन आईएफएससी कर रहे हो। कौन कर रहा है? पीआरआई कर रहा है। यहां पे वर्ड पीआरआई है, पीआरआई में तो सारे आ गए, तो आईएफएससी में कर रहे हो तो उसके ऊपर है स्केड्यूल 5। ये हम अलग से देखेंगे, हैंड रिटन चार्ट देखेंगे, असली चीज यही है। बढ़ते हैं आगे, रूल नंबर 16 प्राइसिंग गाइडलाइंस। अब प्राइसिंग का मतलब क्या है? देखिए, बाहर के शेयर शेयर खरीद रहे हैं आप, सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं, प्राइस तो है ना, बेच रहे हैं तब भी प्राइस है ना। थोड़ा सा इसमें एक आधा पॉइंट हमें अच्छा दिखेगा, वो क्या है? कहता अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दीज रूल्स, रूल्स में कुछ अलग से ना लिखा गया हो, तो इश्यू या ट्रांसफर ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ फॉरेन एंटिटी फ्रॉम अ पीआरओआई फ्रॉम, ध्यान दीजिएगा, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया या पीआरआई, मतलब जो भी इश्यू है ट्रांसफर कर कौन रहा है, कोई भी, यहां पे ध्यान रखने वाला वर्ड आ गया कोई भी, कि कोई भी में हमने क्या ले लिया, पीआरओआई भी ले लिया प्लस पीआरआई, कोई भी है। लेकिन मेन पॉइंट क्या है, फेमा तो तभी लगेगा ना जब कोई पीआरआई इन्वॉल्व होगा। आप ये इश्यू ट्रांसफर किसको कर रहे हो? आप कर रहे हो पीआरआई को। कौन सा पीआरआई? जो इन रूल्स के मुताबिक एलिजिबल है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करने के लिए। या कहता है ये इश्यू या ट्रांसफर किससे हो रहा है? फ्रॉम पीआरआई हो रहा है, और किसको हो रहा है? टू पीआरओआई। मतलब यहां पे आ गया पीआरआई किसको ट्रांसफर कर रहा है? पीआरओआई को। पहले में क्या था? पीआरओआई या पीआरआई किसकी तरफ? पीआरआई की तरफ। मतलब एक तरफ आप कह लीजिए बेच रहे हैं, दूसरी तरफ आप खरीद रहे हैं, जैसे मर्जी, तभी दो तरफ हम लिखेंगे, राइट। तो कहता ध्यान रखना जो प्राइस होगा, मतलब जो ट्रांजैक्शन होगी, जो कॉन्सेंट्रेशन होगी खरीदने बेचने की, वो आर्म्स लेंथ बेसिस पे होनी चाहिए। आर्म्स लेंथ आप सारे जानते हो, फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करें, प्राइसिंग के लिए आप वैल्यूएशन करो। अब वैल्यूएशन कैसे करवाएंगे? कहते हैं एज पर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्राइसिंग मेथोडोलॉजी फॉर द वैल्यूएशन, जो भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथोडोलॉजी है उसके हिसाब से आपको वैल्यूएशन करा के ही ये ट्रांजेक्शन करवानी है। तो मतलब एक बस इसमें रूल 16 में एक ही पॉइंट था कि आप जो भी ये ट्रांजेक्शन होगी ना ओवरसीज इन्वेस्टमेंट वाली, वो आर्म्स लेंथ बेसिस पे होनी चाहिए, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे आप क्या कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, बेचने का भी काम, क्योंकि ट्रांसफर की भी बात हो रही है। ट्रांसफर इज अ वाइडर टर्म। रूल 17 देखिए आप किस पे आ गया, ट्रांसफर और लिक्विडेशन, बेचने पे आ गया। लिक्विडेशन का मतलब क्या हो गया, फॉरेन एंटिटी अगर बंद हो जाएगी तो स्वाभाविक है आपका जो राइट बनता है आप विड्रॉ करोगे। डिस इन्वेस्टमेंट वर्ड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब रूल 1 क्या कहता है कि भैया जो पीआरआई है जिसके पास कहता है इक्विटी कैपिटल है मे ट्रांसफर, ऑब्वियसली जो भी आपने इन्वेस्ट किया है वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। स्वाभाविक है, कैसे? कहता आपने रेगुलेशंस वगैरह का क्या करना है, कंप्लायंस करना है। देन कहता पीआरआई मे ट्रांसफर इक्विटी कैपिटल बाय वे ऑफ व्हाट, आप अपने शेयर बेच दो, इन्वेस्ट किया ना तो विड्रॉ कर रहे हो आप अपना पैसा, किसको बेच दो? पीआरआई को बेच दो, जो कि क्या होना चाहिए, इन रूल्स के मुताबिक एलिजिबल होना चाहिए। या किसको बेच दो, चाहे पीआरओआई को बेच दो। तो बेचने की बात हो रही है तो किसी को भी बेचोगे ना यार, तो यहां तो कुछ नहीं है। कहता अगर ट्रांसफर की वजह यह है, यहां मतलब पहले पॉइंट में क्या था, आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो खुद ब खुद, ये वॉलंटरी एक्ट हो गया। अब क्या हो गया, वॉलंटरी नहीं है। दरअसल वो फॉरेन एंटिटी का क्या हो गया, मे बी मर्जर, एमलगमेशन या डीमर्जर, या उसने क्या किया, फॉरेन एंटिटी ने अपनी सिक्योरिटीज बैक कर ली, राइट। तो कहता जब भी आप ऐसा करोगे, सच ट्रांसफर या लिक्विडेशन इन द केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ फॉरेन एंटिटी शैल हैव द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर द एप्लीकेबल लॉज इन इंडिया और द लॉज ऑफ द होस्ट कंट्री एज द केस में बी। तो नेचुरल मर्जर अमलगमेशन बायबैक, उसके लिए आपको लॉज का क्या करना पड़ेगा, कंप्लायंस करना होगा, उसके मुताबिक आप अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। सब रूल 4 में एक अच्छा पॉइंट है, इसलिए स्टार लिखा है यहां पर। कहता वेयर द डिस इन्वेस्टमेंट बाय पीआरआई नहीं किया, किससे रिलेटेड, ओडीआई। अब ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो हम पढ़ के आए थे क्लियरली कि इक्विटी में पैसा लगा रखा आपने, वो पैसा आप विड्रॉ कर रहे हो, डिस इन्वेस्टमेंट।
कहता है द ट्रांसफरर इन केस ऑफ फुल डिस इन्वेस्टमेंट, मतलब पूरा पैसा आप अपना निकाल रहे हो, ध्यान रखिएगा अदर देन बाय वे ऑफ लिक्विडेशन, मतलब कंपनी नहीं बंद हुई। तो कहता है आप अपना पूरा पैसा निकाल रहे हो ना, तो पूरा ही निकालो। शेल नॉट हैव एनी ड्यूज आउटस्टैंडिंग फॉर रिसीट, आपका एक भी रुपया आउटस्टैंडिंग नहीं रहना चाहिए। Which such transferor is entitled to receive from the foreign entity as an investor in capital, equity capital and debt. अब देखिए प्रॉब्लम क्या जाती है, अगर आप सब रूल चार को देखोगे, पहले इसने क्या रखा था, आप डिस इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किससे रिलेटेड, ओडीआई, ओडीआई में तो इक्विटी होता है, लेकिन जैसे हम अंदर पढ़ रहे हैं कहता कोई भी आपका पैसा बकाया आपने नहीं छोड़ना है, जो भी आप इंटाइटल्ड थे फॉरेन एंटिटी से लेने के लिए एज एन इन्वेस्टर इन इक्विटी एंड डेट, यहां डेट भी लिख गया, तो दरअसल बेहतर होता आप यहां पे वर्ड क्या लिख के जाते, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। अच्छा पॉइंट यह है जिसके ऊपर एक प्रश्न बनाया जा सकता है, कहता है ट्रांसफर इन केस ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट मस्ट हैव स्टेड इन्वेस्टेड फॉर एटलीस्ट वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग ओडीआई, मतलब कूलिंग पीरियड है, अगर आज आपने ओडीआई किया 10 दिन बाद, 10 महीने बाद, 4 महीने बाद आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, तो एक तरह से कह लीजिए कूलिंग पीरियड ओडीआई का 1 साल है। बस इसी में मेरे को एक ये अच्छा पॉइंट लगा था जिसके ऊपर कोई इंस्टीट्यूट एमसीक्यू कहे, केस स्टडी कहे या कोई प्रश्न बना सके, तो ये हैंड रिटन में चाहे आपने इंसर्ट करना है जरूर कर लीजिएगा। अब प्रोविजो क्या कहती है, ये कंडीशंस लगेंगी नहीं, जिसका मतलब क्या हुआ, जिसका मतलब ये हो गया ये कंडीशंस नहीं लगेंगी, डैट मीन्स 1 साल का ना तो कूलिंग पीरियड लगनेगा, या दूसरा हम कह रहे थे आपका कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज पेंडिंग ना हो, बाहर से पूरा पैसा लो, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, राइट। अब टेंशन की बात कब नहीं है, कहता अगर मर्जर डीमर्जर अमेलगमेशन हुआ बिटवीन टू और मोर फॉरेन एंटिटीज में हुआ, उनके बीच में हुआ, डेट आर होली ओन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय इंडियन एंटिटी, मतलब ये आ गया तकड़ा पॉइंट कि दो फॉरेन एंटिटीज का मर्जर अमेलगमेशन डीमर्जर जो भी हुआ लेकिन वो फुली ओन्ड है, 100% ओन्ड है, किसके द्वारा, एक इंडियन एंटिटी के द्वारा, राइट। तो अगर इंडियन एंटिटी के द्वारा अगर वो ओन्ड है तो फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, क्योंकि यहां पे अब फॉरेन एंटिटी वाली बात ही नहीं रही। या कहता है देयर इज नो चेंज और डाइल्यूशन इन एग्रीगेट इक्विटी होल्डिंग ऑफ द इंडियन एंटिटी इन द मर्ज्ड डीमर्ज्ड और अमलगमेटेड एंटिटी, मतलब जो न्यू एंटिटी बनी उसमें इंडियन एंटिटी की इक्विटी के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो फिर कहता कोई टेंशन नहीं है, आपको ये ऊपर वाली कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं होंगी। सब रूल 5 कहता है द होल्डिंग ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट और ट्रांसफर देयर ऑफ इन एनी मैनर शैल नॉट बी परमिटेड इफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट वॉज नॉट परमिटेड अंडर द एक्ट। अब ये टोटल बकवास पॉइंट है, क्यों, अगर इनिशियली का मतलब है शुरू में ही अगर इन्वेस्टमेंट नहीं अलाउड थी, तो इन्वेस्टमेंट में ही नहीं अलाउड तो आप डिस इन्वेस्टमेंट भी कैसे करोगे, तो बस यही लिख रहा है। कहता कोई भी होल्डिंग या ट्रांसफर अलाउड नहीं है, अगर इनिशियली अलाउड नहीं था तो भैया बाद में भी क्यों होगा, पहले नहीं कर सकते तो बाद में वैसे नहीं कर सकते, तो इसलिए यह आता है हमारा रूल नंबर 17 ट्रांसफर और लिक्विडेशन, जहां हमने कहा PRI अपना पैसा क्या कर सकता है, चाहे तो विड्रॉ कर सकता है। सब रूल 2 ने क्या कह दिया, किस तरह से कर सकता है, अपनी मर्जी से सेल कर दे, वो किसको कर दे, चाहे PRI को करे चाहे PROI को करे, और अपनी मर्जी से नहीं हुआ, मर्जर अमलगमेशन ये सब कुछ हुआ, बायबैक वगैरह हुआ, तो बस लॉस का क्या करना है, कंप्लायंस होना चाहिए, उसके हिसाब से भी कर सकते हो। बड़ी बात क्या थी, अगर आप डिस इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ध्यान क्या रखना है, अगर पूरा का पूरा पैसा अगर आप डिस इन्वेस्ट कर रहे हो, कंपनी का लिक्विडेशन नहीं हो, आप अपनी मर्जी से बेच रहे हो, तो कोई भी आपका आउटस्टैंडिंग ड्यूज पेंडिंग होना नहीं चाहिए, और आप ये डिस इन्वेस्टमेंट 1 साल की कूलिंग पीरियड के बाद ही कर सकते हैं, और कोई इन कंडीशंस का पंगा नहीं है। अगर ये मर्जर डी मर्जर वगैरह किसमें होता है, 2 or more फॉरेन एंटिटीज में होता है, लेकिन दे आर अल्टीमेटली फुली ओन्ड बाय इंडियन एंटिटी, या इंडियन एंटिटी का इस मर्जर वगैरह से उनके इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नो डाइल्यूशन। रूल नंबर 18 ये काफी अच्छा है, डबल स्टार इसलिए लगा है, ध्यान रखिएगा। कहता आप है PRI, क्या किया आपने, ODI किया, फॉरेन एंटिटी में किया, मे परमिट रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ फॉरेन एंटिटी, मतलब फॉरेन जो एंटिटी है उसकी बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चर हो रही है, जैसे आप अकाउंट्स में सिंपल टॉपिक पढ़ते हो, इंटरनल
रिकंस्ट्रक्शन, राइट, कि कंपनी कह लीजिए यही बात होती थी ना, अकाउंट्स में ये पढ़ते थे कंपनी लॉसेस में चल रही है, तो अब वो अपनी बैलेंस शीट को एक तरह से रिकास्ट करना चाहती है, रिस्ट्रक्चर करना चाहती है, क्या कर सकती है क्योंकि ओडीआई ने पैसा लगा रखा है। तो कहता है पहली बात, रिस्ट्रक्चरिंग क्यों हो रही है, कंडीशन पहली ये है कि वो फॉरेन एंटिटी इनकर कर रही थी लॉसेस फॉर द प्रीवियस टू ईयर्स एज एविडेंस्ड बाय इट्स लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट्स, पिछले दो साल से आपका क्या चल रहा हो, लॉस चल रहा हो, तो सब्जेक्ट टू आपको कुछ कंप्लायंसेस विद रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ेंगे, कर लीजिए रिस्ट्रक्चरिंग। तो हम तो पीआरआई हैं, ये है हमारे लिए मेन कंडीशन। एंड सब्जेक्ट टू डिमिनिशन, जिसका मतलब है डिक्रीज होगी। देखो फॉरेन एंटिटी लॉसेस में है तो नुकसान तो आपको भी होगा क्योंकि आपने जो ओडीआई में पैसा लगा रखा वो पैसा तो डूबा ही ना, तो इसलिए कहता कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट टू डिमिनिशन इन द टोटल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज टुवर्ड्स सच पर्सन, पीआरआई मतलब पीआरआई ने जो पैसा लगा रखा है फॉरेन एंटिटी में, ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड डेट, यहां देखिए इक्विटी एंड डेट यहां वर्ड लिखी है वो ओडीआई, तो यहां पे ओडीआई वर्ड नहीं होना चाहिए था, यहां ओवरसीज इन्वेस्टमेंट वर्ड होता बेहतर होता क्योंकि यहां आप लिख रहे हो इक्विटी एंड डेट। कहता आफ्टर सच रिस्ट्रक्चरिंग नॉट एक्सीडिंग द प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तो कहता आपकी जो डिमिनिशन हो रही है टोटल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज में, अब टोटल वैल्यू में वो क्या कह गया, इक्विटी एंड डेट तो नहीं, आफ्टर सच रिस्ट्रक्चरिंग नॉट एक्सीडिंग द प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब इसका मतलब क्या है, यहां समझाने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। मान लीजिए पीआरआई ने इन्वेस्ट किया से 30% इन इक्विटी शेयर ऑफ फॉरेन एंटिटी, आपने 30% शेयर ले रखे हैं, से फॉरेन एंटिटी हैविंग लॉसेस फॉर 4 साल, हमारी कंडीशन क्या थी, कम से कम लॉस हो रहे हो 2 साल तो ही रिस्ट्रक्चर करोगे आप, कि फॉरेन एंटिटी के जो लॉसेस हैं वो 4 साल से हो रहे हैं, जिसे हम क्या कहेंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेस, से मान लीजिए ये है 100 मिलियन USD, ये उसके लॉसेस हो रहे हैं, और 30% आपने इक्विटी शेयर में जब पैसा लगाया था, मान लीजिए इसकी वैल्यू 200 मिलियन USD है, 200 मिलियन USD आपने पैसा लगा रखा है। अब हम कह रहे थे जो आपकी डिमिनिशन हो वैल्यू में पीआरआई की आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग नॉट एक्सीडिंग द प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जिसका मतलब क्या हुआ, जिसका मतलब यह हुआ आपने 30% पैसा लगाया था, लॉस है 100 मिलियन, तो आपका शेयर कितना हुआ, 100 मिलियन में अगर हम कंप्यूट करेंगे तो स्वाभाविक है 30% के हिसाब से 30 मिलियन, तो इसलिए जो आपकी वैल्यू यहां पे रिड्यूस हो वो ज्यादा से ज्यादा कितनी रिड्यूस हो सकती है, नेचुरल है, इसमें से हम कितना माइनस कर देंगे 30 मिलियन। तो बस ये रिस्ट्रक्चरिंग में आपने ध्यान रखना है कि रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है फॉरेन एंटिटी की हो सकती है, लेकिन कम से कम पिछले 2 साल में उसे क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, लेकिन उस लॉस से जो डिमिनिशन होगा पीआरआई की आउटस्टैंडिंग वैल्यू में इन्वेस्टमेंट में नॉट एक्सीडिंग द प्रपोर्शनेट अमाउंट, मतलब आपकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा, जैसे एग्जाम्पल में मैंने करने की कोशिश करी है, इससे ज्यादा आपका होना नहीं चाहिए, प्रोवाइडेड दैट। अब प्रोविजो क्या कहती है, कहता जब ये डिमिनिशन हो रही है तो दरअसल आपको एक सर्टिफिकेट सर्टिफिकेशन करवाना पड़ेगा, मतलब कहता वेयर द अमाउंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 10 मिलियन USD, मतलब जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू $10 मिलियन से अगर ज्यादा है तो, या इन केस वेयर द अमाउंट ऑफ सच डिमिनिशन एक्सीड्स 20% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज, या
आपकी जो डिमिनिशन होगी, वैल्यू कम होगी, वो 20% से ज्यादा हो गई जितना आपने पैसा लगाया था। मतलब दो कंडीशन है, या तो देखिए प्रोवाइडेड डेट इन केस ऑफ सच डिमिनिशन वेर द अमाउंट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या देखना था, या तो आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हो $10 million से ज्यादा, जैसे मेरे एग्जाम्पल में $10 million से तो ज्यादा ही थी ना, या फिर कहता कि जो अमाउंट ऑफ डिमिनिशन है, जो पैसा क्या हो रहा है, वैल्यू जो कम हो रही है वो 20% टोटल वैल्यू से कम हो रही है। जैसे यहां टोटल वैल्यू मैंने दी थी 200 का 20% आप लेके चलेंगे तो हुआ 40 से ज्यादा तो नहीं हम यहां कह रहे, राइट। तो इन डैट सिचुएशन आपको क्या करवाना है, पहली लिमिट लगी एग्जाम्पल के हिसाब से, तो कहता है डिमिनिशन से रिलेटेड एक वैल्यूएशन सर्टिफिकेट आपने लेना है, आर्म्स लेंथ बेसिस पे लेना है। किससे लोगे आप, रजिस्टर्ड वैल्यूअर हम पढ़ के आते होते हैं कंपनीज एक्ट में चैप्टर नंबर 17 सेक्शन 247 के अंदर, उससे करवाओ वैल्यूएशन, या कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूअर रजिस्टर्ड विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी, या कोई और वैल्यूअर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड है, या होस्ट ज्यूरिसडिक्शन का वैल्यूअर जिसे हम कहते हैं सीपीए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट से आपको वैल्यूएशन करवानी पड़ेगी। और फर्दर क्या कहती है प्रोविजन, सर्टिफिकेट डेटेड नॉट मोर देन 6 months बिफोर द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन शैल बी सबमिटेड टू द डेजिग्नेटेड ऑथराइज डीलर बैंक। तो ऑथराइज डीलर को जब आप ये सर्टिफिकेट दोगे तो ध्यान ये रखना, क्योंकि वैल्यू कम होगी, क्योंकि जो पैसा लगाया था पूरा हिंदुस्तान में वापस लेके आना होता है जब वो ड्यू या क्रू हो जाए। तो कहता है ये सर्टिफिकेट 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक तरह से रिस्ट्रक्चरिंग बढ़िया पोर्शन बनता है। पीआरआई ने ओडीआई करके एफई में पैसा लगाया और एफई को लगातार पिछले 2 साल से लॉस हो रहे हैं, वो रिस्ट्रक्चरिंग कर सकती है, लेकिन उसका आपके ऊपर पीआरआई के इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंपैक्ट है डिमिनिशन वो क्या होना चाहिए, जितना आपने पैसा लगाया है और जो लॉसेस हो रहे हैं प्रपोर्शनेटली एक्युमुलेटेड लॉसेस में जो आपका शेयर बन रहा है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या थी, एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से सर्टिफिकेट या रेगुलेटर के वैल्यूअर से सर्टिफिकेट या सीपीए से सर्टिफिकेट लेना है अगर आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 10 million USD से ज्यादा है, या फिर आपका जो डिमिनिशन हो रहा है वो मोर देन 20% टोटल जो आपकी इन्वेस्टमेंट ओरिजिनल थी वो हो रहा है, और ये सर्टिफिकेट आपने ईडी को देना है। ध्यान रखें ये ट्रांजेक्शन से ज्यादा 6 महीने तक पुराना हो सकता है, उससे ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 19 आता है रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन। तो क्या है, कहता कोई भी पीआरआई ओडीआई ना करे। देखिए नॉर्मली ये चीज तो हम पहले ही पढ़ते थे, ये हम पढ़ते थे पीआरओआई के लिए कि वो हिंदुस्तान में आ सकते हैं लेकिन पैसा इस कार्य में नहीं लगा सकते। सेम वही पॉइंट है कि आपके ऊपर रोक क्या है, आप हिंदुस्तान के बाहर इस कार्य में पैसा नहीं लगा सकते, एक रियल एस्टेट में, नंबर 2 गैम्बलिंग में, तीसरा डीलिंग विद फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिंक्ड टू द इंडियन रुपी विदाउट अप्रूवल ऑफ द आरबीआई। मतलब ना रियल एस्टेट में, ना गैम्बलिंग में, ना ही कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो इंडियन रुपीज में हो, क्योंकि हमारी करेंसी फुली कन्वर्टेबल नहीं है, जब तक आप आरबीआई से क्या ना ले लें, अप्रूवल ना ले लें। लेकिन अब रियल एस्टेट एक्टिविटी में क्या बताया गया कि रियल एस्टेट एक्टिविटी का मतलब है खरीदना और बेचना या ट्रेडिंग इन टीडीआर, ये ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं, राइट। तो रियल एस्टेट का वही मतलब है, बट डज नॉट इंक्लूड, कहने का मतलब है इसको रियल एस्टेट नहीं मानेंगे, इसमें पैसा लगा लो। सेम यही हमने पढ़ा था, जैसे डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप या रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रेमिसेस, रोड ब्रिज वगैरह, ऐसी चीजें करनी है ये तो ग्रोथ के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है, इसमें कर लो आप। अब अच्छा पॉइंट अगला आता है, कहता ओडीआई कर रहे हो आप, किसी स्टार्टअप में कर रहे हो, स्टार्टअप कहां की है, ऑब्वियसली होस्ट कंट्री की है, राइट। कौन कर रहा है, एन इंडियन एंटिटी। इंडियन एंटिटी का मतलब क्या था, 4 लोग थे, कंपनी, बीसी, एलएलपी एंड फर्म। तो अगर इंडियन एंटिटी अगर स्टार्टअप में पैसा लगा रही है, ध्यान से वो पैसा उसका होना चाहिए, मतलब कहीं से लोन लेके ना लगाए, क्योंकि क्या लिखा, ओनली फ्रॉम द इंटरनल अक्रूअल, आपका पैसा, जिसका मतलब है आपका प्रॉफिट कहो, आपकी कैपिटल कहो, राइट, वो पैसा होना चाहिए, मतलब लोन वगैरह नहीं होना चाहिए। आपका पैसा हो इंडियन एंटिटी का या आपकी ग्रुप कंपनी का या एसोसिएट्स का हो, और रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं तो ध्यान रहे फिर वही वर्ड आ गया, आपका पैसा, ओन फंड्स, लोन लेके नहीं आपने स्टार्टअप में पैसा लगाना। अच्छा पॉइंट है ये। देन कहता है कोई भी पीआरआई फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं करेगा
that has invested or invests into India at the time of making such financial commitment or any time thereafter, directly or indirectly, resulting in structure with more than two layers of subsidiaries. अगर आप इस पॉइंट को देखते हो ना, इससे आपको रिकॉल वैल्यू आनी चाहिए सेक्शन 186 कंपनी सेक्ट का, जहां हम क्या पढ़ के आते होते हैं, LIG लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी. सेम वहां पे भी हम यही पढ़ते थे कि आप इन्वेस्टमेंट मोर देन टू लेयर्स से नहीं कर सकते. अब पॉइंट क्या है, कहता कोई PRI फाइनेंशियल कमिटमेंट उस फॉरेन एंटिटी में नहीं करेगा जिसने ऑलरेडी पैसा या तो इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ या करने वाली है, राइट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिजल्टिंग, लेकिन परिणाम क्या है उसका, इन स्ट्रक्चर विद मोर देन टू लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज, मतलब उसकी दो लेयर ऑफ सब्सिडरी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. लेकिन अब है प्रोविजो, जिसका मतलब है ये दो लेयर वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी. ये भी हम 186 में इस तरह से पढ़ा करते थे कि भैया ये LIG पे लिमिट्स वगैरह नहीं लगेंगी अगर आप क्या हो, बैंकिंग कंपनी हो, NBFC हो, इंश्योरेंस कंपनी हो या क्या हो, गवर्नमेंट कंपनी. सेम वैसा सही पॉइंट है कि दो लेयर वाला पंगा नहीं लगेगा अगर आप क्या है, बैंकिंग कंपनी है, NBFC है, इंश्योरेंस कंपनी है या क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है. तो अगर आप हैं और आप लोग बाहर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो और आपकी जहां ODI आप लगा रहे हो फॉरेन एंटिटी में, उसने इंडिया में पैसा लगा दिया है मोर देन टू लेयर्स, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो ये था बेटा जी हमारा रूल नंबर 19. फिर देख लीजिए प्रोहिबिशन क्या थी, PRI पैसा नहीं लगाएगा ना रियल एस्टेट में, जिसके अंदर TDR भी आ जाएगा लेकिन टाउनशिप वगैरह डेवलपमेंट है, रोड ब्रिज है, वो नहीं आएगा. नंबर दो गैम्बलिंग, देन कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंडियन रुपीज में बिना RBI के अप्रूवल के आप नहीं लगाओगे. स्टार्टअप में पैसा इंडियन एंटिटी हो तो सिर्फ इंटरनल अक्रूवल से लगाना है, इंडिविजुअल हो तो ओन फंड से लगाना है. और अगर आपकी जो फॉरेन एंटिटी में जिसमें आपने ODI किया वो भारत में पैसा लगा सकती है, लेकिन उसकी ज्यादा से ज्यादा दो लेयर होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. बाकी ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेंगी, किसके ऊपर नहीं लगेंगी, ये लेयर्स वाली, बैंकिंग, NBFC, इंश्योरेंस एंड गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर. रूल नंबर 20 आता है, रिक्वायरमेंट्स एज टू बी स्पेसिफाइड बाय RBI. मतलब कौन सी रिक्वायरमेंट, जैसे कैसे पेमेंट करनी है, डेफर्ड पेमेंट भविष्य में टुकड़ों में करनी है, रिपोर्टिंग, पैसा इंडिया में लेके आना, बाकी रिक्वायरमेंट्स तो ऑब्वियसली RBI बताएगा भाई, इसके अंदर कुछ नहीं है, इग्नोर कर सकते हो आप. देन है रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, बाहर खरीदना एंड बेचना इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो ऑब्वियसली पेपर 6D के अंदर आप ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेगुलेशंस पढ़ के आ, तो ये भी आपको कॉपी पेस्ट वही वाला दिखेगा. तो इसके अंदर क्या है, कहता सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, कोई भी PRI ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हिंदुस्तान के बाहर खरीदने बेचने का काम नहीं करेगा बिना RBI के अप्रूवल के. लेकिन Provided that nothing in this rule shall apply to, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, आप करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. कब, अगर आप PRI तो हो लेकिन आप नेशनल और फॉरेन स्टेट हो, मतलब कोई अंग्रेज इंडिया में रह रहा है तो नेचुरल उसकी प्रॉपर्टी हिंदुस्तान के बाहर तो होगी, तो अगला खरीदे बेचे आप कौन होते हो रोक लगाने वाले. नंबर दो, आप PRI हो लेकिन ये प्रॉपर्टी आपने ली थी ऑन और बिफोर 8 जुलाई 1947 से पहले, दैट मीन्स देश के आजाद होने से पहले, क्योंकि बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान बांग्लादेश में बहुत लोगों की प्रॉपर्टी है, तो वो आप विद परमिशन ऑफ RBI रख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं, आजादी से पहले वाला है. तीसरा, आप हिंदुस्तान के बाहर ले सकते हो प्रॉपर्टी इमूवेबल लेकिन लीज के ऊपर, लेकिन लीज के ऊपर टाइम पीरियड ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 5 साल, तब आपको RBI की अप्रूवल नहीं चाहिए. वरना इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको RBI की अप्रूवल चाहिए, खरीदना हो या बेचना हो. देन क्या कहता है, कहता भाड़ में गया जो सब रूल 1 में लिखा है, मतलब ये फिर से एक्सेप्शन पढ़ने वाले हैं. क्या आप PRI हो, आप खरीद सकते हो IP हिंदुस्तान के बाहर इनहेरिटेंस या गिफ्ट से या परचेज से, मतलब खरीद सकते हो, खरीदना अलग हो गया. इनहेरिटेंस मतलब मान लीजिए किसी के पिताजी बाहर रहते हैं, आप बच्चा इंडिया में रहता है तो प्रॉपर्टी तो आपको मिलेगी ना यार, या आपके रिश्तेदार बाहर रहते हैं, गिफ्ट, उन्होंने प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट दे दी, मिलनी चाहिए ना आपको. तो कहता आप खरीद रहे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बात देखनी है, कौन खरीद रहा है, PRI खरीद रहा है, राइट, खरीद रहा है गिफ्ट में मिल रहा है या इनहेरिटेंस, किससे मिल रही है ये देखना है, फ्रॉम अ PRI, किसी PRI से मिल रही है. लेकिन उस जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी से मेरे को प्रॉपर्टी मिल रही है, कहां मिल रही है, हिंदुस्तान के बाहर मिल रही है, पिताजी भी PRI, मैं भी PRI, तो पिताजी के पास वो प्रॉपर्टी कहां से आई, कहता पिताजी ने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी एज पर फॉरेन एक्सचेंज प्रोविजंस इन फोर्स एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन.
हो सकता वो पहले हिंदुस्तान के बाहर थे तब खरीदी थी, तो ऑब्वियसली मेरे को मिल जानी चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें। आगे क्या कहता, आप स्टिल खरीद सकते हैं, PROI से खरीद सकते हैं, मतलब आप अक्वायर कर सकते हैं PROI से। जैसे मेरे पिताजी हैं ही बाहर तो इनहेरिटेंस से मेरे को ही मिलनी चाहिए, राइट। या RFC अकाउंट, ये तो बाहर से कमाया हुआ पैसा था, खरीदो, क्या दिक्कत है। या अंडर LRS तो हम पहले पढ़ चुके हैं, 2.5 लाख की आपकी लिमिट, LRS स्कीम जो आपकी है तो उसमें आप जैसे मर्जी करें। और एक चीज और इंटरेस्टिंग कह गया, कहता ये जो रेमिटेंस है LRS में मे बी कंसोलिडेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेटिव्स। जैसे मैं और रिलेटिव मेरा भाई, क्योंकि रिलेटिव की डेफिनेशन आनी चाहिए, तो 2.5 लाख मेरे को अलाउड है, 2.5 उसको अलाउड है, कितने बन गए 5 लाख। तो 5 लाख USD मिलके हमने कहा क्यों ना एक जॉइंट प्रॉपर्टी हिंदुस्तान के बाहर ले लें, तो आप ले सकते हैं। ये पॉइंट है, बीइंग पर्संस रेजिडेंट इन इंडिया, मैं और मेरा रिश्तेदार दोनों ही PRI है। अब क्या कह रहे हैं, ज्वाइंटली विद अ रिलेटिव। अब ये रिलेटिव फिर कहां से आ गया, अब ये है आपके पास ध्यान रखना, रिलेटिव PROI है कि रिश्तेदार मेरा पहले ही बाहर बैठा है, तब भी मिलकर ले सकते हो आप, राइट, क्योंकि एज LRS आपकी 2.5 लाख तो रहेगी। आउट ऑफ इनकम और सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स अदर देन ODI अक्वायर्ड ओवरसीज अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट, मतलब ODI की बात नहीं हो रही, इससे पहले कोई भी आपकी इनकम सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स, साफ लिखा आउट अदर देन ODI अक्वायर्ड ओवरसीज, तो कोई इनकम वगैरह जो भी आपको बाहर से हुई थी उससे अगर आप कोई पहले की प्रॉपर्टी खरीद के बैठे हो तो ऑब्वियसली जो मर्जी आप ट्रांसफर कीजिए, क्या दिक्कत है। तीसरा पॉइंट आता है, कोई इंडियन एंटिटी है हिंदुस्तान के बाहर, उसका ऑफिस है, तो ऑफिस है तो किराए पे है, एक होता खरीदना, तो आप खरीद सकते हैं, यस खरीद सकते हैं, किसके लिए, बिजनेस एंड रेजिडेंशियल पर्पसेस ऑफ स्टाफ एज पर व्हाट RBI डायरेक्शंस। नंबर 4, आप PRI हैं, आपने IP हिंदुस्तान के बाहर खरीदी, कहता मैं, आप जब चाहो उसे क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कैसे, गिफ्ट से, किसको, किसी भी PRI को, हु इज एलिजिबल टू परचेस प्रॉपर्टी। ये पॉइंट हम ऊपर भी पढ़ गए थे कि आपने खरीद लिया, आगे गिफ्ट देना चाहो दे दो, या क्रिएट अ चार्ज ऑन सच प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली गिरवी रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो आप, RBI की डायरेक्शंस कंप्लाई करनी होंगी। लेकिन सब रूल 3 ऐसे बेकार है कि अगर आपको इनिशियली ही ये इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं थी तो बाद में आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, तो भैया बाद में थोड़े करेंगे आपको। इसके बाद देखिए, इसके ये रूल यहां खत्म हो जाते हैं, इसके बाद हम जो पढ़ेंगे हैंड रिटन स्केड्यूल के मुताबिक ही पढ़ेंगे। लेकिन आइए इससे पहले ये रूल नंबर 21 देख लें। ये क्या था, इमूवेबल प्रॉपर्टी हिंदुस्तान के बाहर, उसके ऊपर रोक थी कि भैया आप नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन हम एक्सेप्शन पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल खरीद सकते हो आप हो ही, आप PRI हो लेकिन बाहर के हो, नेशनल और फॉरेन स्टेट, या 8 जुलाई 1947 तक, या लीज पे ज्यादा से ज्यादा 5 साल, देन कोई टेंशन नहीं है। अगर IP हिंदुस्तान के बाहर आपको मिल रही है किससे, इनहेरिटेंस से, गिफ्ट से या परचेज से, राइट, PRI ले रहा है और किससे ले रहा है, ये फ्रॉम PRI टू PRI ट्रांजेक्शन हो रही है, या अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब PRI खरीद रहा है, किससे खरीद रहा है, PROI से ले रहा है, पॉइंट वही है, इनहेरिटेंस कह लीजिए, गिफ्ट नहीं लिखा, RFC अकाउंट या LRS, और LRS रिलेटिव के साथ कंबाइंड भी कर सकते हो, रिलेटिव हिंदुस्तान के बाहर भी हो सकता है, या पहले की कोई ओवरसीज आपकी इन्वेस्टमेंट थी, ODI की बात नहीं हो रही, उससे रिलेटेड जो पैसा था आप IP खरीद सकते हो। इंडियन एंटिटी हिंदुस्तान के बाहर खरीद सकती है अपने बिजनेस और रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए, और एक PRI जिसके साथ, जिसके पास ये प्रॉपर्टी पड़ी है, वो बेच सकता है, दे सकता है, बेचना भी हो गया क्योंकि लेकिन ट्रांसफर का यहां मतलब सिंपल बताया गया है, गिफ्ट के रूप में, किसको, PRI को, या गिरवी भी रख सकता है। तो आइए एक बार मैं फिर से ये रूल नंबर 3 से लेके 21 तक, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, हल्का सा आपको एक रिकॉल वैल्यू दे दूं कि मेन जो कंटेंट है वो पक्का आपको याद हो जाए। देखिए रूल नंबर 3 में कुछ नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा कौन, RBI। रूल नंबर 4 में था, ये रूल रेगुलेशन किसके ऊपर नहीं लगेंगे, IFSC में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इन्वेस्ट किया। एंड नंबर 2, अगर ये पैसा लगा रहे हो आप RFC अकाउंट से, या हिंदुस्तान में आए हो लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 साल के लिए। और तीसरा पॉइंट था सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 4 के मुताबिक। देन 5 में आ गया आपका डेट इंस्ट्रूमेंट एंड नॉन डेट। नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट में एक पॉइंट आपको ध्यान रखने वाला था, म्यूचुअल फंड एंड ETF के यूनिट्स ली हैं जिन्होंने आगे मोर देन
50% इक्विटी में पैसा लगाया है। रूल नंबर 6 में था, पुराने रूल्स के हिसाब से कोई इन्वेस्टमेंट है कंटिन्यू रहेगी, नए रूल से तंग नहीं करेंगे। एक बार ओडीआई कर दिया उसके बाद राइट शेयर, बोनस शेयर या रिनंसिएशन आप कर सकते हो। और रूल नंबर 8 में देखिए, आप कुछ भी ये नहीं कर सकते हो बिना किसके रूल्स रेगुलेशन का कंप्लायंस किए। 9 में ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में मेन पॉइंट क्या दिखा, बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी में पैसा लगाइए, जिसका मतलब है परमिसिबल हमारे लॉ एंड होस्ट कंट्री के लॉ के मुताबिक, लेकिन पाकिस्तान या अदर ज्यूरिसडिक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बताता है वहां आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी पीआरआई वहां की फॉरेन एंटिटी में पैसा लगा सकता है। और दूसरी बात क्या थी, जो भी लिमिट सम स्केड्यूल में पढ़ेंगे क्या कर सकता है, उससे ज्यादा आप पैसा लगा सकते हो, लेकिन आप एक एप्लीकेशन दोगे ऑथराइज्ड डीलर के थ्रू आरबीआई को, आरबीआई आगे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो अप्रूव करेगा स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लिए, तो वो लिमिट्स बढ़ाई जा सकती हैं। और ये लिमिट्स देखिए एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होती हैं और प्रायर अप्रूवल से जैसे हमने कहा ये बढ़ाई जा सकती हैं। रूल नंबर 10 में था एनओसी, एनओसी कब था, आप पीआरआई हैं लेकिन आपका अकाउंट एनपीए हो गया, विलफुल डिफॉल्टर हो गए या आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, तो आपको एनओसी लेंडर से, रेगुलेटर से या एजेंसी से लेना है। और अगर वो 60 दिन में आपको रिप्लाई नहीं करते हैं तो प्रिज्यूम्ड है उनसे आपको अप्रूवल मिल गई है और ये ऑथराइज डीलर को दी जाएगी। 11 से 15 मैंने आपको पहले बता दिया, स्केड्यूल के साथ हम देखेंगे। 16 में आता है प्राइसिंग से रिलेटेड इश्यू या ट्रांसफर ऑफ जो भी आपका ये इक्विटी में आपने पैसा लगाया है, तो ध्यान ये रखना है कि जो कॉन्सिडरेशन है, प्राइस है, वो आर्म्स लेंथ बेसिस पे होना चाहिए। ट्रांसफर या लिक्विडेशन मतलब आगे बेचना है या कंपनी का लिक्विडेशन हो गया या डिस इन्वेस्टमेंट की बात है, ऑब्वियसली आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से सेल आप कर सकते हैं, राइट, पीआरआई को करें या पीआरवाई को करें। और अगर मर्जर एमलगमेशन बायबैक है तो लॉस का कंप्लायंस आपने करना है। अगर डिस इन्वेस्टमेंट हो रही है तो फुल डिस इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं, वहां बढ़िया पॉइंट था, एक तो कोई आपका आउटस्टैंडिंग ड्यूज नहीं रहने चाहिए और एक साल के कूलिंग पीरियड के बाद ही आप डिस इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, लेकिन इन कंडीशंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये मर्जर एमलगमेशन हो रहा है फॉरेन एंटिटीज में लेकिन दे आर होली ओन्ड बाय इंडियन एंटिटी, या जो इंडियन एंटिटी है इस मर्जर वगैरह से उनके इक्विटी में कोई डाइल्यूशन या चेंज नहीं हो रहा। रूल 18, रीस्ट्रक्चरिंग अगर करनी है तो फॉरेन एंटिटी का पिछले 2 साल का लॉस होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा पीआरआई का जो डिमिनिशन होता है इन द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग नॉट एक्सीडिंग द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ एक्युमुलेटेड लॉसेस, जितना उस लॉस में आपका शेयर बनता है उससे ज्यादा लॉस, उससे ज्यादा आपकी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है, आपको एक सर्टिफाइड वैल्यूअर से ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो डिमिनिशन हुआ है, कहां से, एक तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर 247 कंपनीज एक्ट में या कॉरस्पॉन्डिंग रजिस्टर्ड वैल्यूअर विद रेगुलेटरी अथॉरिटी या सीपीए। कंडीशन क्या है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट या मोर देन 10 मिलियन USD हो या डिमिनिशन क्या हो मोर देन 20% जो आपके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था उसका रहा हो। रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन में है ना रियल एस्टेट में, ना आप गैम्बलिंग में, ना ही आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो इंडियन रुपीस में उसमें पैसा लगाएंगे। स्टार्टअप में लगा सकते हैं इंडियन एंटिटी इंटरनल अक्रूअल से और इंडिविजुअल अपने ओन फंड से, और बाहर की एंटिटी जिसमें आप फंड कमिटमेंट कर रहे हो उसने इंडिया में पैसा लगाया है या लगाना है जिस दिन आपने कमिटमेंट करी है, उसकी 2 लेयर ही हो सकती है, उससे ज्यादा ना हो, लेकिन 2 लेयर का पंगा नहीं है किसमें, बैंकिंग में, एनबीएफसी में, इंश्योरेंस में एंड गवर्नमेंट कंपनी के अंदर। बाकी सारी चीजें किस तरह से पेमेंट वोमेंट ये सब करनी है आरबीआई बताएगा, रूल नंबर 20 यही कहता है। 21 में हिंदुस्तान के बाहर आईपी आप नहीं ले सकते हैं बिना आरबीआई के अप्रूवल के, लेकिन कोई टेंशन नहीं है अगर आप पीआरआई हैं लेकिन आप नेशनल किसी और देश के हैं, या 8 जुलाई 1947 या लीज पे आप ले सकते हैं 5 साल तक, एंड देन इसके बाद आपको इनहेरिटेंस गिफ्ट वगैरह से मिले तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और देन आप खरीद रहे हैं अपने आरएफसी अकाउंट से, एलआरएस से कोई दिक्कत नहीं है, एलआरएस आप किसी रिश्तेदार के साथ कंबाइन भी कर सकते हैं, वो रिश्तेदार हिंदुस्तान के बाहर भी हो सकता है और पहले की कोई और इनकम हो तो कोई टेंशन नहीं है। इंडियन एंटिटी अपने ओवरसीज ऑफिस के लिए, अपने बिजनेस एंड स्टाफ के क्वार्टर्स के लिए आईपी खरीद सकती है, और पीआरआई किसी और को ट्रांसफर कर सकता है गिफ्ट के रूप में, प्रोवाइडेड वो व्यक्ति भी क्या है, पीआरआई है, या आप चार्ज भी क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ यहां हमारे ये वाला लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम हैंड रिटर्न में उन स्केड्यूल्स के ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। टिल देन हैव अ गुड टाइम।